पुणी निराश जगगुरु बाबा रामदेव क्षमा प्रार्थना को ग्रहण कले सुप्रीम कोर्ट भूल सुधार दे सात दिन समय बारंबार क्षमा मागुछंती जगगुरु बाबा रामदेव और पतंजलि परिचालना निर्देशक आचार्य बालकृष्णा किंतु ग्रहण करुनाहांती सुप्रीम कोर्ट विभ्रांतिकर विज्ञापन मामलें मंगलवार द्वितीय थर पर उभय रामदेव और बालकृष्णा भूल मागिथिले भी एहाकु ग्रहण करिनाहांती कोर्ट जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस ए अमानतुल्लांक द्वारा गठित खंडपीठ मामलार शुणाणी करि कहिछंती जे विभ्रांतिकर विज्ञापन कोर्ट को ठारु नुहे सार्वजनीन क्षमा प्रार्थना उचित सात दिन में भूल सुधारिबाकु पदक्षेप ग्रहण करंतु शुणाणी में रामदेव कहते आम द्वारा भूल हो बिना शर्त क्षमा प्रार्थना करुचु कोर्ट कहते आपण कौन चिंता कर मिछ प्रचार करेर अनेक चिकित्सा पद्धति रही कौन आयुर्वेद व्यतीत अन्य चिकित्सा पद्धति खरापटे विभ्रांतिकर प्रचार कर असाध्य रोगर उपचार दाबी करने अनुचित रामदेव कहते एभली भूल न दोहर ध्यान देवु कोर्ट को अवमानना करवा आम उद्देश्य नुहे कोर्ट कहते देशवासी और कोर्ट आपण यही आशा रखती ना आपण को क्षमा प्रार्थना ग्रहण करा जीवो ना नहीं यह उपरे विचार करा जीवो आपण एते सरल नुहति जे निजो भूल जानी पार नहाती यह पूर्वरु एप्रिल 2 और 10 तारीख में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णा कोर्ट में हाजर हो निशर्त क्षमा प्रार्थना करते ग्रहण करते कोर्ट रोग भल करिबा नारे पतंजलि निज कंपनी द्वारा प्रस्तुत मेडिसिन मिछ ब्रांडिंग करुवा नहीं आभोग एने सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बा आईएमएस फेब्रुआरी 27 रे सुप्रीम कोर्ट पतंजलि आयुर्वेद को किसी निर्दिष्ट रोग उपर औषधर विज्ञापन प्रकाश करने को बारण करते कोर्ट को निर्देश को बेखातिर कर बारंबार विज्ञापन प्रकाश करुला पतंजलि तेबे मामलें कोर्ट को आगामी पदक्षेप नजर रही ब्यूरो रिपोर्ट कनक न्यूज।